वार्म अप जैसा, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम जैसा, ऐसे ही आसन करेंगे जो सब लोग कर पाए, ऐसे ही एक्सरसाइजेस करेंगे जो सबके लिए आसान हो। खड़े हुए आसन की स्थिति में आ जाइए और पहले थोड़ा सा हाथों के वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम हाथों के लिए, दोनों हाथ कंधों की सीध में ले लीजिए, बिल्कुल सीधे। सामने एक बजाएंगे, क्लैप करेंगे और वापस, सिंपल। आगे ताली और वापस, यस। 10 बार करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सामने 8, 9 एंड 10। ऊपर ताली बजाएंगे, सिर के ऊपर ताली और वापस, सिर के ऊपर ताली और वापस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से हाथ नीचे, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, और कंधों को आगे से पीछे की तरफ घुमाएंगे, कंधों को आगे से पीछे की तरफ रोटेट 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब उल्टा घुमाएंगे, पीछे से आगे की तरफ कंधों को घुमाएंगे, पीछे से आगे की तरफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। क्योंकि योग शरीर और मन दोनों का बैलेंस है, एक बैलेंसिंग आसन देखेंगे, ठीक है, जिसमें हमें संतुलन बनाए रखना है, बैलेंस बनाए रखना है। एक बाणासन की तरफ बढ़ेंगे, राइट पैर जो है, राइट पाव, उसको ऊपर लेफ्ट हाथ में पकड़ लेंगे, ऐसे राइट पैर उठाएंगे, लेफ्ट हाथ में उसको पकड़ लेंगे। आप चाहे तो राइट हाथ से कोई चीज का सपोर्ट ले सकते हैं, कोई मजबूत फर्नीचर या दीवार का। अगर आप बैलेंस कर सकते हैं एक पैर पे, तो राइट हाथ साइड में लीजिए और धीरे से पीछे ले लीजिए, पीठ पे रख लीजिए, और एक पैर पे आप बैलेंस कीजिए, संतुलन बनाए रखिए, होल्ड। सिर्फ एक, कुछ लोग ऐसे आगे से पकड़ रहे हैं, आगे से मत पकड़िए, हाथ दुख जाएगा, ऐसे पीछे से पकड़िए, आगे से ना पकड़ते हुए पीछे से पांव पकड़िए और होल्ड कीजिए, होल्ड 30 सेकेंड्स के लिए, और होल्ड कीजिए, मैं समय देख रही हूँ। धीरे धीरे राइट हाथ साइड में और धीरे से नीचे, राइट पैर भी नीचे, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास।
एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। लेफ्ट पैर जो है उसको ऊपर उठाएंगे, राइट हाथ में इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब दूसरी तरफ कर रहे हैं, लेफ्ट पैर ऊपर उठाया है और राइट हाथ से पकड़ा है, लेफ्ट हाथ साइड में। या फिर आपको एक पैर पे दिक्कत हो रही है संतुलन बनाने में, तो आसपास कोई दीवार या फर्नीचर किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हैं। और लेफ्ट हाथ पीछे पीठ पे होल्ड कीजिए, बैलेंस कीजिए। वेरी गुड बैलेंस। धीरे धीरे वापस लेफ्ट हैंड साइड में, और धीरे धीरे नीचे, लेफ्ट पाव भी नीचे। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। दोनों हाथ सिंपल पीछे, हाथ पकड़ लीजिए पीछे, पीठ के पीछे। और पैरों के सूक्ष्म व्यायाम के लिए, थोड़ा सा वार्म अप के लिए, एड़ी उठाएंगे, राइट एड़ी ऊपर और नीचे, लेफ्ट एड़ी ऊपर और नीचे। पैरों की उंगलियों पे पांव है, एड़ी ऊपर राइट और फिर लेफ्ट, राइट और फिर लेफ्ट, राइट और फिर लेफ्ट, राइट और फिर लेफ्ट, और कंटिन्यू करेंगे, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। कंटिन्यू 30 सेकेंड्स के लिए, मैं समय देख रही हूँ। जितना आप कर सकते हैं आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, घुटनों में वगैरह दर्द है तो ज्यादा मत रेस कीजिए, हल्का सा उठाएंगे एड़ी को फिर। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं आप, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, थोड़ा सा गति बढ़ा सकते हैं। और फिर से 30 सेकेंड के लिए जारी रखिए। कंटिन्यू करती हूँ। धीरे धीरे वापस स्लो गति कम कर दीजिए। धीरे धीरे राइट एड़ी ऊपर, धीरे से लेफ्ट, धीरे से राइट, धीरे से लेफ्ट, वापस धीमी गति से करेंगे 30 सेकेंड तक। और धीरे से दोनों पैर, दोनों पांव जमीन पे रखते हुए रुक जाइए। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। और बैठे हुए आसन की स्थिति में आ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। सिंपल पालथी में जैसे बैठते हैं वैसे बैठे हुए आसन की स्थिति में आ जाइए। हमारे पहले प्राणायाम के लिए होती है सुख क्रिया। सुख क्रिया
या अनुलोम विलोम का एक बिल्कुल सिंपल सा वेरिएशन, वो हम देखेंगे, सूत्र क्रिया देखेंगे। उसके लिए राइट हाथ की छोटी उंगली और अंगूठा हम इस्तेमाल करेंगे, राइट हाथ की छोटी उंगली और अंगूठा, बाकी की तीन उंगलियां सिर्फ एक साथ रखेंगे, बस इस तरीके से राइट हैंड की छोटी उंगली और अंगूठा यूज करेंगे, बाकी तीन उंगलियां एक साथ। और शुरू करते हैं, राइट नथुना बंद कर लीजिए, लेफ्ट नथुने से लंबी सांस स्टार्ट कीजिए मेरे साथ, राइट नथुना बंद, लेफ्ट से एक लंबी सांस, लेफ्ट नथुना बंद कर लीजिए, राइट से प्रश्वास, फिर राइट से ही लंबी सांस, राइट नथुना बंद, लेफ्ट खुला, लेफ्ट से प्रश्वास, लेफ्ट से गहरी लंबी सांस, राइट से प्रश्वास, राइट से लंबी सांस, लेफ्ट से प्रश्वास, लेफ्ट से लंबी सांस, राइट से प्रश्वास, राइट से लंबी सांस, लेफ्ट से प्रश्वास, खुद से करेंगे आप, लेफ्ट से लंबी सांस, राइट से प्रश्वास, राइट से लंबी सांस, लेफ्ट से प्रश्वास, खुद से कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू, लेफ्ट से सांस, राइट से प्रश्वास, राइट से सांस, लेफ्ट से प्रश्वास, और एक मिनट तक खुद से ऐसे अल्टरनेट राइट लेफ्ट ब्रीदिंग चालू रखिए। आखिरी दो बार और धीरे से लेफ्ट नथुने से सांस छोड़ते हुए रुक जाइएगा, लेफ्ट नथुने से सांस छोड़ते हुए रुक जाइएगा। सुख क्रिया
लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, फेफड़ों के लिए तो है ही क्योंकि ये प्राणायाम है, बहुत अच्छा प्राणायाम फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन ज्यादा जाए फेफड़ों में उसके लिए एक बहुत अच्छा प्राणायाम है ही। साथ ही इससे तनाव कम होता है और ब्रेन की याददाश्त बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है, उसके लिए था ये सुखक्रिया। अब पैरों के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम देखेंगे, सारे जॉइंट्स के लिए, सारे मसल्स के लिए पैर सीधे कर लेंगे और सिंपल बिल्कुल आराम से दोनों पाँव नीचे और ऊपर, दोनों पाँव नीचे की तरफ और दोनों पाँव ऊपर की तरफ, दोनों पाँव नीचे एक साथ, दोनों पाँव ऊपर एक साथ, नीचे और ऊपर 10 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब दोनों पैर में थोड़ा सा अंतर देंगे और दोनों पांव एक साथ अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, दोनों पांव एक साथ अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, फिर से 10 बार कंटिन्यू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैर एक साथ और घुटने ऊपर नीचे, घुटने केवल घुटने ऊपर नीचे करेंगे, राइट फिर लेफ्ट, राइट घुटना ऊपर और नीचे, लेफ्ट ऊपर और नीचे, राइट ऊपर और नीचे, लेफ्ट ऊपर और नीचे, राइट लेफ्ट, दायां बायां ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू जारी रखिए और थोड़ा सा गति बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, 1 मिनट तक राइट लेफ्ट जारी रखिए। मैं समय देख रही हूँ, जारी रखिए, दायां पाया, थोड़ी गति और बढ़ा दीजिए। धीरे धीरे गति कम कीजिए, स्लो, दायां बायां ऊपर नीचे, थोड़ी गति कम कर दीजिए। और धीरे से रुक जाइए, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। घुटनों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है, जो लोग दूसरे कोई भी आसन या कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते घुटनों के लिए, वो लोग भी बैठे बैठे ये आराम से कर सकते हैं, घुटनों का दर्द कम होता है, पूरे पूरे पैर एक्सरसाइज होते हैं, सारे पैरों के मसल्स एक्सरसाइज होते हैं, इससे बहुत ही सिंपल कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं। अब यहाँ एड़ी में जो दर्द रहता है उसके लिए एक सिंपल हम ये एक्सरसाइज देख रहे हैं, दोनों पाँव को एक साथ इस तरीके से घुमाएंगे, दोनों पाँव को एक साथ इस तरीके से घुमाएंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अब उल्टी दिशा में घुमाएंगे, दोनों पाँव को उल्टी तरफ घुमाएंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
फोर थ्री टू और वन, रिलैक्स, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, और दोनों घुटने एक साथ अब ऊपर नीचे, दोनों घुटने एक साथ ऊपर नीचे, एक और घुटनों के लिए बहुत ही सरल व्यायाम देख रहे हैं, दोनों घुटने एक साथ ऊपर नीचे जारी रखिए एक मिनट तक। पहले थोड़ा स्लो शुरू कीजिए, धीमी गति से, हम दिख नहीं रहे, अब दिख नहीं रहा है, सॉरी, दिख रहे मैम, दिख रहे, ओके, कंटिन्यू कीजिए, दोनों घुटने एक साथ ऊपर नीचे, थोड़ा सा गति बढ़ा सकते हैं हम, एक मिनट के लिए करेंगे, जितना आपसे संभव है उतना ही थोड़ी सी गति बढ़ाइए, दर्द ना हो लेकिन थोड़ा सा खिंचाव आए, इतनी गति बढ़ाइए। जारी रखिए 30 सेकेंड के लिए और। धीरे धीरे गति कम कीजिए, स्लो, दिसत नहीं। और रुक जाइए, धीरे से एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, और दोनों हाथ सामने ले लीजिए, इस तरह से उंगलियां मिला लीजिए, दोनों हाथ सामने लेके उंगलियां मिला लीजिए, चक्की चालन के लिए तैयार हो जाइए, कमर के लिए, पेट को पतला करने के लिए, कमर को लचीला बनाने के लिए, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए, हाँ करेंगे, एक तरफ दोनों कोहनियां सीधे रखते हुए रोटेट करेंगे, एक दो, कोहनियां सीधे रखेंगे और कमर से झुकेंगे आगे और पीछे, तीन, थोड़ा धीरे करना है तो उसका प्रेशर फील होगा, फास्ट फास्ट करेंगे तो प्रेशर फील नहीं होगा, फोर, कोहनियां सीधे रखिए, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, और अब दूसरी दिशा में घुमाएंगे, उल्टी तरफ घुमाएंगे, सेम वही आसन कर रहे हैं चक्की चालन, सिर्फ उल्टी दिशा में घुमाएंगे, टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, पैर मोड़ के सुखासन में आ जाइए, फिर से एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, और दूसरे प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे हम, दूसरे, आज का दूसरा प्राणायाम शीतली प्राणायाम, उसकी तरफ बढ़ेंगे हम, पीठ सीधी रखे बैठे,
मुंह का गोलाकार बनाएंगे और जीभ का गोलाकार बनाएंगे ऐसे, ठीक है? जीभ बाहर रखेंगे और जीभ को ऐसे गोल आकार में बाहर रखेंगे। मुंह से जीभ से सांस लेना है ऐसे, और फिर मुंह बंद करके नाक से प्रश्वास। एक बार मेरे साथ करके देखिए, मुंह का गोलाकार, जीभ का गोलाकार, जीभ से सांस लेता है, सांस लेना है, पूरी हवा महसूस करते हुए गले से लेकर छाती से लेकर पेट तक पूरी हवा को सांस लेते हुए महसूस करना है, कोशिश कीजिए। और धीरे से मुंह बंद करके नथुनों से प्रश्वास। आप करके देखिए एक बार। हर बार हवा को महसूस करना है पूरा पेट तक जाते हुए। आंखें बंद करके शीतली 1 मिनट तक जारी रखिए, मैं समय देख रही हूँ। रेडी स्टार्ट। आखिरी 2 बार। और धीरे से आंखें खोलिए। जैसा कि प्राणायाम के नाम में ही है, शीतली, शीतलता देता हुआ, मन को शांत करता हुआ, और पेट में जो एसिडिटी की समस्या है, पेट में जलन की समस्या, उसको ठीक करने के लिए, उसको कम करने के लिए डेली शीतली करने से एसिडिटी कम रहती है, एसिडिटी के विकार नहीं होते हैं, डाइजेशन अच्छा होता है, खाना अच्छी तरीके से पचता है, ठीक है? अब धीरे से आप पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेते हुए हम कुछ आसन देखेंगे। पैर सीधे करके पीठ के बल लेट जाइए। उत्तान पादासन के लिए रेडी हो जाएंगे। सभी इस आसन को कर सकते हैं, ठीक है? पैरों के दर्द को कम करने के लिए एक सरल सा आसन देखेंगे। दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट कर लीजिए, दोनों हाथ कमर के नीचे ले लीजिए, थोड़ा सा कमर को अधिक सपोर्ट मिलेगा। और राइट पैर जो है, राइट पैर बिल्कुल सीधा इस तरीके से ऊपर ले लेंगे, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, घुटना सीधा, पैरों की उंगली अंदर की तरफ, राइट
पांव की उंगली अंदर की तरफ, घुटना सीधा। कोशिश करेंगे कि इस तरीके से 90 डिग्रीज पे होल्ड करें, जमीन से 90 डिग्रीज। अगर इतना पॉसिबल नहीं है, दिक्कत है इतने में, तो थोड़ा नीचे भी इस तरीके से पैर को रख सकते हैं। 10 की गिनती तक रुकेंगे, हर एक गिनती के साथ एक लंबी सांस लेंगे। शुरू करते हैं। 1, लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। जाएंगे 2, लंबी सांस। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए राइट पैर नीचे ले लेंगे। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। धीरे से लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा कर लेंगे, उंगलियां अंदर की तरफ, घुटना सीधा, लेफ्ट पैर सीधा और रुके रहिए। 10 की गिनती तक रुकिए। फिर से हर एक गिनती के साथ एक लंबी सांस। 1, लंबी सांस। 2, 3, 4, लंबी सांस। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर भी नीचे ले लेंगे। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। और दोनों पैर जो है वो एक साथ ऊपर ले लेंगे। अब दोनों पैर ऊपर, बिल्कुल सीधे, घुटने सीधे, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, उत्तान नमाता में होल्ड करेंगे। फिर से 10 की गिनती तक पैरों की उंगलियां अंदर हैं, बिल्कुल तने हुए हैं पैर। हर एक गिनती के साथ एक लंबी सांस। 1, लंबी सांस। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों पैर नीचे रखेंगे और हाथ, अब कमर को सपोर्ट कर रहे थे वो साइड में ले लीजिए हाथ। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। और दोनों पैर इस तरीके से मोड़ लीजिए मरकटासन के लिए। फिर कमर के दर्द से राहत के लिए, कमर को लचीला बनाने के लिए मरकटासन देखेंगे। बहुत ही अच्छा आसन कमर दर्द से राहत पाने के लिए और बहुत ही सिंपल।
दोनों हाथ साइड में ले लीजिए, कंधों की सीध में, दोनों हाथ कंधों की सीध में ले लीजिए और दोनों पैर पेट के ऊपर ले लीजिए इस तरीके से, दोनों हाथ साइड में कंधों की सीध में, दोनों पांव पेट के ऊपर और एक साथ दोनों दोनों पैर एक साथ राइट साइड ले लीजिए इस तरीके से, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, दोनों पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, दोनों पैर एक साथ राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, और रुकिए आसन में रुकिए। दोनों पैर एक साथ पेट के ऊपर, गर्दन सेंटर में ले आइए वापस, और अब दोनों पैर एक साथ लेफ्ट साइड ले लीजिए, एक के ऊपर एक पैर, एक घुटने के ऊपर एक घुटना, दोनों पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, गर्दन राइट की तरफ, और मुखी आसन में। स्लोली धीरे धीरे फिर से एक बार गर्दन सेंटर में, बीच में दोनों पैर बीच में, और एक बार रिपीट करेंगे, दोनों पैर एक साथ राइट साइड, एक के ऊपर एक, गर्दन लेफ्ट साइड, रुकिए मरकटासन में। कमर में बहुत ही राहत देता हुआ एक खिंचाव महसूस होगा कमर में, उसे अनुभव कीजिए। धीरे से गर्दन बीच में, दोनों पैर बीच में, दोनों पैर एक साथ लेफ्ट की तरफ, गर्दन राइट की तरफ, दोनों पैर लेफ्ट की तरफ, एक के ऊपर एक, गर्दन राइट की तरफ, और रुकिए एक आखिरी बार कमर में राहत देता हुआ खिंचाव महसूस करते हुए, आखिरी बार मरकटासन में रुकिए। धीरे धीरे गर्दन सेंटर में, दोनों पांव बीच में, और नीचे रख दीजिए पैर, दोनों नीचे जमीन पे रख दीजिए और पैरों में अंतर दीजिए, पैरों में अंतर दीजिए, पैर नीचे रखिए जमीन पे और पैरों में अंतर दीजिए। अब जो है रीढ़ की हड्डी की लास्ट हड्डी की आखिरी हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम का जो लास्ट बोन है, लास्ट जॉइंट है, उसको रिलैक्स करने के लिए सिंपल ये एकदम एक्सरसाइज, एक व्यायाम, दोनों घुटनों को अंदर की तरफ ले लीजिए एक दूसरे से मिलते हुए और बाहर की तरफ, दोनों घुटने अंदर की तरफ एक साथ
और बाहर की तरफ, लोअर बैक, एकदम लोअर बैक, बिल्कुल हिप्स के ऊपर जो पोर्शन है उसको रिलैक्स करता हुआ, दोनों घुटने अंदर की तरफ और दोनों घुटने बाहर की तरफ, दोनों घुटने अंदर की तरफ मिलते हुए, दोनों घुटने बाहर की तरफ, और कंटिन्यू कीजिए, अंदर घुटने बाहर, घुटने अंदर बाहर, कंटिन्यू। और धीरे से दोनों पैर मिला लीजिए और एक साथ नीचे लेंगे, दोनों पैर बिल्कुल सीधे नीचे, एक लंबी सांस, धीरे से प्रश्वास। अब हमने लोअर बॉडी के लिए, नीचे के भाग के शरीर के लिए, कमर के लिए, पैर के लिए काफी व्यायाम देखे हैं, अब हम अपर बॉडी के लिए, ऊपर शरीर के लिए क्या देख सकते हैं वो देखेंगे। इसके लिए पलट के पेट के बल आ जाइए, पलट के इस तरीके से पेट के बल आ जाइए, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, पेट के बल ले जाइए। सलंब व भुजंगासन के लिए तैयारी करेंगे, दोनों हाथ इस तरीके से शरीर के बाजू में रखिए, कोहनी जो है वो कंधे के नीचे आए, हाथ जो है वो, देखने हाथ कोहनी, कंधे कोहनी के नीचे आए। मुझे तो क्लियर है वीडियो, आप लोग के भी वीडियोस देख रहे हैं। कोहनी जो है वो कंधे के नीचे आए, इस तरीके से ये पोजीशन में आप आ सकते हैं। अगर आपको स्लिप डिस्क या ऐसा कोई इशू है रीढ़ की हड्डी का, तो ये आसन तो आप कर सकते हैं थोड़ा सा उठ के, इसके आगे के आसन नहीं कर सकते। अगर बहुत दर्द है या बहुत दिक्कत है तो फिर आप ये आसन स्किप कर सकते हैं, स्लिप डिस्क या ऐसा कोई इशू हो तो। ठीक है, दोनों हाथ शरीर के साइड में रखिए, कोहनियां कंधों के नीचे और ऊपर की तरफ देखिए, दोनों पैर मिले हुए, लोअर बैक में, दोनों हाथों पे, छाती पे और गर्दन में खिंचाव महसूस करते हुए सलंब व भुजंगासन में रुकेंगे। एक लंबी सांस, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए माथा जमीन पे रख देंगे और लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, दोनों हाथ कंधों के नीचे ले लीजिए, कंधों के नीचे, और अब कोहनियों को भी ऊपर उठाते हुए भुजंगासन में उठेंगे। थोड़ी सी कोहनियां बेंड रही तो चलेगा, थोड़े से एल्बोज बेंड रहे तो चलेगा। अब ये जो है ये स्पॉन्डिलाइटिस या स्लिप डिस्क वाले नहीं करेंगे, बाकी सब इस आसन को कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ देखिए, दोनों हाथों पे, पेट पे, कमर पे और गर्दन पे खिंचाव महसूस करते हुए भुजंगासन में रुकिए।
लंबी सांस, बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए माथा जमीन पर, रिलैक्स। एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। अब दोनों हाथ जो है वो पेट के पास ले आइए, पेट के बाजू में दोनों हाथ रखेंगे और सांस लेते हुए ऊपर, हाथ सीधे, सिर्फ पांच की गिनती तक रुकेंगे। एक, दो, तीन, चार और पांच। और धीरे से इस तरीके से अब ये पोजीशन में आ जाइए, टेबल टॉप या मार्जारासन की स्थिति में आ जाएंगे। इस तरीके से अब हम मार्जारासन देखेंगे। बैक एक के लिए, पीठ दर्द से राहत के लिए सबसे बेस्ट आसन मार्जारासन। फीमेल्स को स्टमक एक होता है, पेट में दर्द होता है, उससे राहत के लिए मार्जारासन। पीठ को लचीला बनाने के लिए, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए मार्जारासन अब हम देखेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऐसे गर्दन ऊपर नीचे और पीठ नीचे की तरफ, बिल्ली की तरफ। मार्जारासन, मार्जार मतलब कैट, ऊपर गर्दन पीठ नीचे, स्ट्रेच कीजिए। एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ ऊपर, ज्यादा से ज्यादा पीठ को ऊपर लीजिए। एक ऊंट की पीठ की तरह दिखनी चाहिए, ऐसे एक ऊंट की पीठ की तरह ऊपर, स्ट्रेच बैक ऊपर। रुकिए, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर पीठ नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ ज्यादा से ज्यादा ऊपर। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर पीठ नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ ऊपर। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर पीठ नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ ऊपर। और एक आखिरी राउंड देखेंगे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर पीठ नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ ज्यादा से ज्यादा ऊपर। और धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे पीछे और नीचे की तरफ आ जाइए। इस तरीके से शशांकासन, यहाँ पे थे हम टेबल टॉप पे, इस तरीके से थे। अब धीरे धीरे पीछे 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 बैठते जाइए।
और नीचे की तरफ गर्दन झुका लीजिए, ये पोजीशन में आ जाइए, इस पोजीशन में, शशांक आसन की पोजीशन में, और रुकिए। गर्दन नीचे है, सिर नीचे है शशांक आसन में, इस कारण पूरा ब्लड फ्लो जो है, पूरा ब्लड फ्लो वो माथे की तरफ चला जाता है, और जो भी फेस के विकार हैं, चेहरे के पिंपल्स, पिगमेंटेशन, उनसे राहत के लिए, स्कैल्प के यानी सिर के विकार हैं, डैंड्रफ, इची इचीनेस, खुजली होना सिर में, उसके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक शशांक आसन। शशांक आसन में रुकेंगे 1 मिनट तक। धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और साइड से नीचे, और इसी पोजीशन में बैठे रहिए। ये पोजीशन है वज्रासन, ठीक है? दोनों पैरों की उंगलियां मिली हुई है, एड़िया अलग है, दोनों पैरों की उंगलियां मिली हुई है, एड़ियों में अंतर है, और वो जो स्पेस है एड़ियों के बीच में जो जगह है उसमें हम बैठ गए हैं वज्रासन। अगर दिक्कत होती है इसमें बैठने में तो आप सुखासन में, पालथी में शिफ्ट हो सकते हैं कभी भी, ठीक है? वज्रासन, ये आसन जिसमें हम अभी बैठे हैं, एकमात्र ऐसा आसन जो खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि हम जानते हैं कि योग के लिए थोड़ा सा अगर लिक्विड्स या खाना कुछ लिया हो तो थोड़ा अंतर देना चाहिए 1-2 घंटे का, लेकिन वज्रासन तुरंत खाने के बाद कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये डाइजेशन इम्प्रूव करने का, पाचन शक्ति बढ़ाने का एक आसन है, इसलिए इसको खाने के बाद तुरंत वज्रासन में बैठना उचित माना जाता है 15 मिनट के लिए। धीरे धीरे बैठते बैठते आदत हो जाती है, शुरू शुरू में बैठने से घुटनों में पैरों में थोड़ा दर्द होता है, तो धीरे धीरे बैठने से 15 मिनट तक हम वज्रासन में, खाने के बाद एसिडिटी कम करने के लिए, डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है? अब हम यही पोजीशन में थोड़ी देर बैठ के एक आखिरी हमारा आज का ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम देखेंगे। कभी भी आप थक जाए तो तुरंत पालथी में, सुखासन में शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक, आज का आखिरी हम प्राणायाम देखेंगे, आज के लिए लास्ट प्लाविनी प्राणायाम, ठीक है? इसमें धीरे धीरे छोटे 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 स्टेप्स में हमें सांस लेनी है, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में हमें सांस लेनी है, जब तक छाती पूरी फूल नहीं जाती तब तक, ठीक है? मेरे साथ एक बार ट्राई करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स में सांस लेंगे। स्टार्ट करते हैं, लंबी सांस, सांस सांस, पूरी छाती भरने तक सांस, और रुकिए वो पोजीशन में, अब रुकिए 1 2 3, एक साथ प्रश्वास, ठीक है? छोटे छोटे स्टेप्स में सांस लेंगे, फिर से मेरे साथ कीजिए, सांस सांस सांस, छाती भरने तक सांस, रुकिए, छाती पूरी भरी हुई है हवा से, रुकिए, 1 2 3, एक साथ प्रश्वास, ठीक है? सिंपल है, स्टार्ट करेंगे, छोटे 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 स्टेप्स में सांस लेते जाएंगे, जब तक पूरी छाती फूल नहीं जाती तब तक, फिर वो पोजीशन में होल्ड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजनेशन मिले तब होल्ड करेंगे, और एक साथ प्रश्वास। इसके बेनिफिट्स हम या प्राणायाम करने के बाद देखते हैं। 1 मिनट तक कंटिन्यू कीजिए प्लाविनी, लेट्स स्टार्ट।
एक साथ प्रश्वास। खुद से कंटिन्यू कीजिए, आंखें बंद करके कीजिए कंटिन्यू एक मिनट के लिए, मैं समय देख रही हूँ। आखिरी दो बार प्राणी। और फिर धीरे से आंखें खोल लीजिएगा। तो लंग्स के जो लोअर लोब्स रहते हैं, लंग्स के फेफड़ों के जो यहाँ के लोब्स रहते हैं, यहाँ नीचे के भाग रहता है, वो जनरली हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। हम सांस लेने में ऊपर ऊपर का ही लंग्स का भाग यूटिलाइज करते हैं। तो प्लामिनी में जो नीचे का शरीर, जो फेफड़ों का जो भाग रहता है, लोअर लोब जिसे बोलते हैं, वो भी यूटिलाइज होता है। तो पूरा लंग यूटिलाइज होने से ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ता है शरीर में। और यहाँ पे एक नर्व रहती है, वेगस नर्व, जो प्लावनी करने से स्टिमुलेट होती है, जो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करती है, अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज करती है, उसके लिए प्लावनी बहुत ही लाभदायक है। तो तनाव कम करने के लिए, एंजाइटी कम करने के लिए और हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करने को जनरेट करने के लिए प्लावनी लाभदायक। अब दोनों पैर सीधे करके शवासन में लेट जाएंगे एक मिनट तक केवल। दोनों पैर बिल्कुल सीधे पीठ के बल लेट जाएंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ और आंखें बंद। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्वास प्रश्वास पे लगाइए। शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। पूरा शरीर शिथिल है और ध्यान सिर्फ और सिर्फ सब जगह से हटाकर सिर्फ और सिर्फ ध्यान श्वास प्रश्वास पर।
अपना शरीर शिथिल है, मन शिथिल है, रिलैक्स्ड है बिल्कुल। इसी शिथिलता से दिन की शुरुआत करेंगे। चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट ले आइए, चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट ले आइए और दोनों हाथ मिलाकर मलकर थोड़े से गर्म करके आंखों पे रखिए। चेहरे की मुस्कुराहट वैसे ही रखते हुए धीरे से आंखें खोलिए और एक करवट होके उठ के बैठिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई विल एडजर्न आवर सेशन फॉर टुडे। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रेयसी मैम, वेरी नाइस सेशन, वेरी रिलैक्सिंग एंड यू हैव कवर्ड ऑल द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए। सो मच मैम, वंडरफुल सेशन इन द मॉर्निंग। यस यस, एट फॉर द नेम रिजोनेटिंग ओनली। यस मैडम, कल के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस बतानी है। प्लीज ध्यान दीजिए, कल का जो हमारा सेशन रहेगा वो चेयर पे बैठ के रहेगा ताकि सभी लोग आसन कर पाए, किसी को घुटने में भी कोई दिक्कत हो या नीचे बैठने में भी जिन लोगों को कोई भी दिक्कत हो वो आसानी से आसन कर पाए। उसके लिए आप कल एक चेयर रखिए साथ में, चेयर पे बैठना है, बिना आर्मरेस्ट की चेयर हो, यानी जो डाइनिंग टेबल की चेयर रहती है जिसको साथ में साइड में हाथ रखने की जगह नहीं रहती वो वाली कुर्सी रखिए ताकि हाथ हम आसानी से मूव कर पाए। तो एक कुर्सी पे बैठ के कल हम आसन करेंगे, कैमरा सामने रख दीजिए, ठीक है? बस कल का पूरा जो सेशन रहेगा वो चेयर पे रहेगा। ओके मैम, थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। कल भी नाइस सेशन। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैम। कल मिलते हैं मैम सुबह 8 बजे जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नमस्ते। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी हम 11 बजे मिलते हैं अगले सेशन के लिए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा आज का। यस मैम, वेरी नाइस। इसका रिकॉर्डिंग इसका रिकॉर्डिंग में डालूंगी तो ये आप डेली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। डेली 5 मिनट 10 मिनट पहले दिखे, इसके पहले दिख रहे नहीं थे हमको मैडम। तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी सर, आपके तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज मैडम वाज विजिबल। नहीं, बहुत टाइम अभी आए, आधा घंटा नहीं दिखा, आधा घंटा दिखा अभी आखिरी का लास्ट का। ओके ओके, डोंट वरी, आपके तरफ से कुछ इश्यू होगा, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी तो आप लोग उसको देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एंड पे, ठीक है? चलिए यहाँ पे रुकते हैं हम, कल नहीं सॉरी 11 बजे मिलेंगे आज, ठीक है? चलिए, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू।